अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीमे की गोलियां बनाने जा रहे हैं, जो आपने बाजार से लाके खाते होंगे। तो उसके लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है। ये 3 पा के करीब कीमा है, मशीन का निकला हुआ। एक बड़े साइज का प्याज है, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चे हैं, 1 टीस्पून धनिया है कुटा हुआ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 2 से 3 हरी मिर्चे हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, महीन महीन कटा हुआ है। और 1 आलू लिया है हमने, और इसके आलू की वजह से जो कीमा एड़ता नहीं है और ना सुखड़ता है, जो गोलियां बिल्कुल सिमट जाती हैं। और 1/2 कप हमने ये चावल का आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा या कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छी बाइंडिंग बनती है। हरा धनिया है, तो ये सारी चीजें हम इसमें मिक्स करेंगे। कीमा ले लिया हमने, अच्छे से धो लिया, तो इसमें हम सारी चीजें डाल लेते हैं। सभी चीजें जाएंगी, सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितना आप क्वांटिटी में बनाएं उसके हिसाब से। तो बाजार से ला के खाते हैं, थोड़ी सी आती है बिल्कुल, तो आप घर में ही बना के खाएं और सबको खिलाएं, बच्चों को भी। तो ये हमने 1 आलू उबाल लिया है, इसे भी हम डाल देंगे अच्छे से मैश करके। देखिए हमने आलूओं को जो है कद्दूकस कर लिया, ताकि जल्दी से मैश हो जाएं। देखिए, और ये आलू हमने 4 पीस करके 1 आलू के, और इनको उबाल लिया था, जल्दी उबल जाते हैं। अगर चाहे आपको कभी भी जरूरत हो, जल्दी चाहिए हो, तो आप टुकड़े करके और उबाल सकते हैं। और थोड़ा सा ऐसे खड़ा खड़ा सा होना चाहिए, ताकि आलूओं में ज्यादा पानी ना जाए। नरम ज्यादा हो जाएंगे तो आलू जो है पानी भर जाएगा उनमें, और वो अच्छे नहीं होते, पनिया पनिया ऐसे हो जाते हैं। देखिए हमारे आलू बहुत ही बढ़िया से उबले हैं, तो हमने 1 ही आलू उबाला था 4 पीस करके। और इसी के साथ साथ हम ये डाल देंगे आटा। आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर, या आप इसमें अदर रोट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसमें हम थोड़ा सा हमने पुदीना भी डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना दोनों मिक्स हैं खुशबू के लिए। देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसे, ताकि इसके अंदर लोच हो जाए बिल्कुल आटे की तरह। तो 2 मिनट इसे हम ऐसे ही मिक्स करते हुए एकदम गूंद लेंगे। फिर हम लहसुन पाउडर डाल देंगे, अगर चाहे आपके पास लहसुन पाउडर नहीं हो तो आप जीरा भी डाल सकते हैं पिसा हुआ। हमारा होममेड है, मैंने घर में ही सुखा रखा है, पीस सुखा के पीस रखा है। देखिए इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। देखिए बहुत ही लुआब हो जाता है इसके अंदर, जब अच्छे से आप इसे गूंदेंगे आटे की तरह, तो इसमें लुआब हो जाता है, बहुत ही बढ़िया सा हो जाता है। में से बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है, एकदम बाजार जैसी, बाजार में बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं। और उसमें वो आटा ही मिलाते हैं, बहुत सारे आलू मिलाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया सा। ये देखिए लुआब लुआब सा बिल्कुल एकदम तैयार हो गया हमारा कीमा। तो तेल हमने इधर रख दिया, सरसों का कहनी है, तो हम छोटी छोटी इसमें, आपके मर्जी आप छोटी डालें या बड़ी डालें, लेकिन थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए, खाबड़ खूबड़ बिल्कुल एकदम गोल नहीं होनी चाहिए, वो तो बस यूं ही तोड़ते जाते हैं और डालते जाते हैं, तो ऐसे होनी चाहिए। तो तेल हमारा बहुत तेज गरम है, तो हल्के से हम पहले एक डाल के देख लेते हैं। हम आंच पे ये हम सेकेंगे, ये देखिए बिल्कुल एकदम बाजार जैसी लग रही है। अब देखिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सी हमारी गोली बनके तैयार हुई है, आप यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल हमारे तरीके से बना के देखिए, आपको भी बिल्कुल टेस्ट वैसे ही आएगा। और थोड़े मीडियम आंच पे सेकें, क्योंकि कीमा जो है कच्चा होता है, थोड़ी सी हम ऐसे ही सेक लेते हैं और फिर दिखाते हैं। हमने इतनी फ्राई कर ली है, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। अगर आपको इसमें कलर चाहिए, रेड कलर की कर देते हैं लोग, तो इसमें आप रेड कलर डाल सकते हैं या कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। और ये एक बार ही और गर्म होंगी ये, हमने ये आपको अपने जो है पर्सनल रेसिपी हमने बताई है, और इसका टिप्स भी बताई है हमने, ये कोई हर एक कोई नहीं बताता है। तो ये देखिए बिल्कुल सिमटी नहीं है, सुखड़ी नहीं है, बिल्कुल हमने जितना साइज डाला था बिल्कुल इतना ही साइज है। तो हम हर एक कोई नहीं बताता है, आप भी हमारे तरीके से जरूर बना के देखिए, आपको भी बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। या नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कर रहे हैं वैसे भी आजकल सबके घरों में पकौड़ियों का ऑयल होता है, हमने भी उसी में ही सेकाई है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए 1/2 किलो कीमे में अच्छी खासी पकौड़ियाँ जो है, गोलियाँ जो है सिक जाएगी। देखिए हमारे कीमे की गोलियाँ तैयार हो गई हैं, आप चाहें तो डार्क कलर कर सकते हैं, आप चाहें तो हल्का करके, और दोबारा जब खाने का टाइम हो तो दोबारा आप गर्म कर सकते हैं। तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और चूल्हे को हल्का कर देते हैं। ठीक, बढ़िया सी
जो है हमारी कीमे की गोलियां तैयार हुई है। अब इसमें हम जो है गरम गरम में थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, आपकी मर्जी है आप इसमें डालें या ना डालें, लेकिन इसमें बाजार से चाट मसाला ही डाल के देते हैं तो बिल्कुल एकदम हम बाजार जैसी बना रहे हैं। और इसके साथ आप प्याज वगैरह हरी चटनी वो भी खा सकते हैं। इसे हम मिक्स कर देते हैं हल्के हाथों से, बहुत ही गर्म हो रही है ये, बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है इसमें से और एकदम बाजार जैसी लग रही है देखने में। देखिए बढ़िया सी सिक्के तैयार हो गई हैं ये, देखिए अंदर से भी देखिए बहुत ही बढ़िया सिक्की है ये। अगर ये आप ये दोबारा से फिर सेक सकते हैं, जब आपका रोजा खुलने का टाइम हो तो दोबारा आप सेकें और करारी हो जाएंगी ये। तो हम भी इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे तो आपको दिखाने के नहीं हमने, क्योंकि रोजे में ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट बचे हैं रोजे में, तो इसीलिए ये गरम गरम सेक के खाएं बहुत ही बढ़िया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।